हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आज एक धमाकेदार न्यूज़ के साथ में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड पे चर्चा करने वाला हूँ। उससे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार ज़िंदगी को खुशहालपूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखें ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। न्यूज़ पे चलने से पहले बता देना चाह रहा हूँ, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है nseindia.com वेबसाइट पे, इस पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का शेयर प्राइस 163.90 रुपया, जो कि डाउन हुआ था 0.37 पैसा आज के दिन, यानी कि 27 जून 2024 आज का डेट है। लास्ट 16:00 बजे का अपडेट है ये। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है बाय क्वांटिटी 13,013 का लगा हुआ है, जो कि प्राइस है 163.58 रुपया, बट सेल करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। एक और बात, इस वेबसाइट पे आपको दिख रहा होगा कि डिलीवरी में 56.02% शेयर को उठा लिया गया है, वो डिलीवरी के लिए यानी कि फ्यूचर के लिए। तो इस पर सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि आखिरकार क्या हो सकता है इस शेयर में। इस शेयर का लिस्टिंग डेट, जो कि राइट साइड में दिख रहा होगा आपको, 24 जुलाई 1996 का है। अभी एडजस्टेड पी 5.57 का है, सिंबल पी 5.57 का ही है। इस शेयर का स्टेटस अगर देखते हैं तो ये लिस्टेड है, काफ़ी अच्छा स्टॉक है। बेसिक इंडस्ट्रीज इसका है रिफाइनरीज एंड मार्केटिंग। अब देखते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को BSE स्टॉक एक्सचेंज पे, तो इसका शेयर प्राइस 163.60 रुपया है, जो कि 27 जून 2024 16:00 बजे का लास्ट अपडेट है। इस एक्सचेंज पर देखते हैं तो पता चलता है कि डिलीवरी परसेंटेज रहा 63.27%, तो काफ़ी अच्छा डिलीवरी का परसेंटेज इस एक्सचेंज पर भी शो हो रहा है, यानी कि ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है इस शेयर के साथ में। बाकी आपको शॉर्ट में अनाउंसमेंट दिख रहा होगा 27/6/2024, दो है न्यूज, जो कि पहला है अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेशन 30 LODR न्यूज पेपर पब्लिकेशन, और दूसरा है क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो। तो ये दोनों न्यूज़ को थोड़ा सा कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का 27 जून 2024 का जो न्यूज अपडेट है, उसके बारे में इंटीमेशन ऑफ ट्रेडिंग विंडो क्लोजर पीरियड। तो इससे संबंधित न्यूज है, जो कि काफ़ी अच्छा है इस शेयर के लिए। देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पूरा को पढ़िए और फिर समझिए। जैसा कि मुझे समझ में आया उसकी जानकारी मैं देता हूं। इसमें मुझे यही समझ में आया कि 30 जून 2024 जो कि फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है, यानी कि क्वार्टर समाप्त हुआ है, उसका रिजल्ट शो होगा यानी कि बताया जाएगा, तो उसमें इनसाइडर ट्रेडिंग को रोक दिया गया है। कब से? तो 1 जुलाई 2024 से लेकर के 48 घंटे बाद तक, यानी कि फाइनेंशियल रिजल्ट शो होने के 48 घंटे बाद तक। तो ये काफ़ी अच्छा न्यूज़ है इस शेयर के लिए। जब इस तरीके का न्यूज़ आया है तो मेरा तो मानना है कि 100% इस शेयर के प्राइस में अप ट्रेंड बनेगी। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। एक और न्यूज़ है, वो भी काफ़ी अच्छा है इस शेयर के लिए, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 27 जून 2024
सब्जेक्ट न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट ऑफ द नोटिस टू शेयर होल्डर्स ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड IEPF अथॉरिटी। तो इस तरीके का न्यूज है जो कि शॉर्ट में है सब्जेक्ट में। जैसा कि इसमें न्यूज है उसका हिंदी में रूपांतरण है यानी कि ट्रांसलेट किया गया है। कृपया 27 जून 2024 को टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स टाइम्स और महाराष्ट्र टाइम्स में प्रकाशित विज्ञापन संलग्न करें जिसमें शेयरधारकों को उन शेयरों के संबंध में IEPF प्राधिकरण को इक्विटी शेयरों के प्रस्तावित हस्तांतरण के बारे में सूचित किया गया है जिन पर लाभांश लगातार 7 वर्षों से लावारिस बना हुआ है या कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और उसके तहत अधिसूचित नियमों के अनुसार। तो यानी कि लाभांश जो है लावारिस पड़ा हुआ है उसके बारे में सूचित किया है यानी कि ये नोटिस को प्रकाशित किया गया है। कौन कौन से पेपर में, तो वो आपको दिख रहा होगा। एक है टाइम्स ऑफ इंडिया, दूसरा है इकोनॉमिक टाइम्स और तीसरा है महाराष्ट्र टाइम्स। तो इस समय प्रकाशित किया गया है यानी कि विज्ञापन दिया गया है, देख सकते हैं बट क्लियर दिख नहीं रहा है उतना अच्छा तरीके से क्योंकि काफ़ी छोटा छोटा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड सामने में दिख रहा होगा, टाइम्स, नेशन, इस पर भी है इंग्लिश में। जब कोई भी शेयर अगर इस तरीके का न्यूज का खुलासा करता है इसका मतलब यही समझना चाहिए कि उस कंपनी में कोई भी धांधली नहीं हो रहा है यानी कि कोई भी झोलझाला या करप्शन अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अंदाज में, नए शेयर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।